नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक डोगरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। बचाने का संकल्प लेकर फतेहाबाद पुलिस संतों की यात्रा का हुआ पुष्प बस्पाल के साथ स्वागत। जिन बताया कि तहसील फतेहाबाद में यमुना को बचाने तथा उसको प्रदूषण से मुक्त करने, वहीं जंगल जमीन को बचाने का संकल्प लेकर संत बंदन दास गिरी महाराज के नेतृत्व में वटेश्वर से चली यात्रा अपने अगले पड़ाव फतेहाबाद में सोमवार को पहुंची, जहां यात्रा का स्थानीय ग्रामीणों ने पुष्प बरसाकर स्वागत किया और अरनोटा में अपने प्रवास के पश्चात रविवार सुबह संतों की यात्रा फतेहाबाद के लिए रवाना हुई। फतेहाबाद में जैसे ही यात्रा ने प्रवेश किया, जगह जगह ग्रामीणों ने यात्रा का स्वागत किया। यात्रा का नेतृत्व कर रहे संत बंदन दास जी महाराज ने कहा कि यमुना की अविरल धारा को रोककर शहरों के प्रदूषित पानी को इसमें मिलाया जा रहा है। अच्छा, जो आज रैली निकाली गई, जिसमें आपने रैली के लिए क्या व्यवस्था की है? राधे 84 को परिक्रमा की रैली है, जिसमें सभी भक्तजनों को चाय पानी का प्रबंध किया गया है। जो दूर दूर से यात्री आते हैं उनके लिए जो बना चाय पानी की व्यवस्था की था। ये रैली कहाँ से आई थी? ये 84 को उसकी आपके बटेश्वर धाम से आती है। बटेश्वर धाम से होते हुए सीधी मथुरा वृंदावन के लिए जाएगी, जिसमें आपने सहयोग किया महात्मा के लिए। हाँ,